हेलो फ्रेंड दिस इज है वेलकम टू टेस्टबुक टेस्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर डियर आप सभी का स्वागत है फटाफट फड़ लाइव आ जाए निश्चित तौर पे एक क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी लोग आ जाइए फटाफट फड़। जरा मैं और ही बच्चों को शेयर कर देता हूं यस यस फटाफट जोड़ते चले जाए थैंक यू डियर थैंक यू ओके ठीक है ठीक है या गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्मिता वर्मा गुड इवनिंग ताहिरा गुड इवनिंग कैसे बच्चा सभी को गुड इवनिंग आज मैं और ही बच्चों को शेयर कर देता हूँ हाँ लगभग बच्चों को शेयर कर दिया गया है थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुड इवनिंग बबीता मिश्रा गुड इवनिंग तो फटाफट आ जाइए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी बिहार का एग्जाम आप देने जा रहे हैं बिहार टीजीडी पीजीटी के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और कूपन कोड याद रखिएगा उदय जो कूपन कोड है वो उदय है ये अप्लाई करके लोग जुड़ सकते हैं त्रिशा बेटा हर चीज शेयर करते हैं क्या नहीं शेयर किया मैंने आपको त्रिशा रेगुलर सारी चीजें शेयर की जा रही हैं सारी चीजें बच्चे रेगुलर शेयर की जा रही क्या प्रॉब्लम हो गई टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है जुड़ सकते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है फटाफट आंसर फटा देना शुरू करें जी हां पहला क्वेश्चन डियर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फटाफट आंसर फटा दें यस फटाफट आंसर फटा दीजिए वन ब्रेन क्या हो जाएगा फटाफट आंसर यस यस मतलब अपने दिमाग से गहरी सोच लगाना जोर डालना ओके okay, लगभग बच्चों को शेयर कर दिया गया एक मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूं बेटा मैं एक बार चेक कर लेता हूं जी हाँ सभी बच्चों को सभी बच्चों को शेयर कर दिया गया है मतलब अपने दिमाग पर जोर डालना जोर लगा के कुछ काम करना टू थिंक हार्ड हो जाएगा कडगल्स वन ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट एडियम है बहुत इंपॉर्टेंट एडियम है और यहां से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं थैंक यू बच्चे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू। कडगल्स वन ब्रेन रवि सिंह प्रणाम प्रणाम भैया कैसे हैं यस यस ओवर थिंक नहीं होगा ओवर थिंक नहीं होगा बेटा सी सी इज द राइट आंसर ईच ऑफ दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल टू कॉलेज स्टूडेंट्स बताएं ईच ऑफ दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल टू कॉलेज स्टूडेंट्स Each of these book. तो एक चीज मैं आप लोग को यहां पे क्लियर कर दूं कहीं भी आपको ईच ऑफ दिख जाए कहीं भी एवरी ऑफ दिख जाए तो एवरी ऑफ थ्री हो सकता है four हो सकता है five, etcetera, seven, eight, nine, ten, ठीक लेकिन ईच ऑफ जो होता है ये बेटा टू के लिए भी आता है और मोर देन टू के लिए भी आता है टू के लिए भी आता है मोर देन टू के लिए भी आता है ठीक है और वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर आएगा तो ईच ऑफ दीज बुक्स इज वेरी यूजफुल हो जाएगा यस 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 ईच ऑफ दीज बुक इज वेरी यूजफुल टू तो कॉलेज स्टूडेंट्स ईच का मतलब सिंगुलर फटाफट जाए ओके थैंक यू थैंक यू पूनम जी कैसे हैं थैंक यू वेरी मच बच्चा थैंक यू और देखिए कल आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि सभी लोग जुड़ जाइएगा चार बजे हाँ जी तो देखिए आज बच्चे जुड़ रहे हैं आज पूरी तरह से मजा आ रहा है पढ़ाने में यस यस थैंक यू थैंक यू यस बेटा एक मिनट चलिए फटाफट फड़ देखें ओके okay, अगला देखते हैं आर यू अकस्टम्ड आर यू अकस्टम्ड ह्यूमिडिटी हेयर फटाफट बताए क्या होगा ओके 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 आर यू अकस्टम्ड एज ह्यूमिडिटी हेयर फटाफट बताए क्या होगा फटाफट आंसर देते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक चीज आपको और बतानी है वो वर्ड्स भी बताने हैं जो अकस्टम्ड की तरह होते हैं जिसके साथ प्रेपोजिशन सेम आता है चलिए टू इज द राइट आंसर अकस्टम टू का मतलब हैबिचुअल होना आदि होना राइट ही इज अकस्टम टू कमिंग लेट वो लेट से आने का आदि है तो याद रखिएगा डियर कहीं भी आपको क्या दिख जाए अकस्टमड कहीं भी आपको अकस्टम दिख जाए डिवोटेड हो गया ऑब्जेक्ट हो गया गिवन टू टेकन टू लुक फॉरवर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू या हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू वैसे यूज टू प्लस वीवन होता है बट लेकिन उसके पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब यूज टू क्या हो जाता है आई एन जी हो जाता है राइट अगर वर्ब आएगा तो आई एन जी फॉर्म में आएगा अदरवाइज नाउन तो आएगा ही आएगा बिल्कुल बिल्कुल अरे ठीक है यार वर्ल्ड कप चल रहा है लेकिन वर्ल्ड कप में रोज मैं देखने की क्या जरूरत है क्या जरूरत है बताइए अच्छा ओके 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 चलिए अगला देखते हैं तो अकस्टम टू हो जाएगा डियर यहां बिल्कुल सही जा रहे हैं कस्टम टू यस चलिए ये एबीसीडी आ गया करेक्ट अरेंज करना है आपको इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ओ राखी हव यू बताएं देखो भैया इट इट ट्रेवल्ड क्या ट्रेवल्ड ये तो पता ही नहीं है तो सी से नहीं शुरू होगा इट बस्ट क्या बस्ट ये तो पता ही नहीं है तो ए से भी नहीं शुरू होगा तो ए वाले ऑप्शन तो आप काट ही दो ए और डी तो बिल्कुल कट गए क्या आप बात है क्या स्पीड है आंसर देने में ए और डी तो बेटा आपका हो ही नहीं सकता अब बी या सी बच रहा है यानी बी दोनों में है तो भाई साहब आ स्ट्रीम ऑफ लावा बिगेन टू रश फ्रॉम क्रेटर ऑफ ए।, ए वाले तो दोनों ही गड़ गए ए वाले जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो अपना बदल रहे आंसर पहले लावा बाहर आया फिर ये फैलने लगा यस

वो रोल होगा तभी तो डिस्ट्रॉय करेगा तो ये बात तय थी कि डी के बाद सी आएगा तो ये भी ट्रिक आप यूज कर सकते थे यस अनप्रेसिडेंटेड एंटेनम बताना ध्यान से देखिए अनप्रेसिडेंटेड अनप्रीसिडेंटेड प्रेसिडेंटेड मतलब नॉट फेमिलियर जिससे आप कभी परिचित ना हुए हो आप बोल सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड नॉट फेमिलियर नॉट फेमिलियर टार्निस का मतलब होता है स्पॉइल्ड स्पॉइल्ड या खराब करना टार्निड राइट यस डेरेंज का मतलब होता है स्पॉइल या खराब कर देना तो वैसे आंसर तो डी हो जाएगा जितने बच्चों का डी है बिल्कुल सही deranged, deranged मतलब, डेरेज der, हाँ, हा का मतलब मैड होता है हाँ यस yes, एलोकेशन तो आपको पता ही है सो डी विल बी द राइट आंसर आई होप सबका सही है आई एम फाइन आई एम फाइन नरेश जी कैसे हैं एन एनिमल और ह्यूमन बींग दैट ईट्स एनी काइंड ऑफ फूड कोई ऐसा ह्यूमन बींग या एनिमल जो कुछ भी खा जाए दैट ईट्स एनी काइंड ऑफ फूड दैट इज एनी काइंड ऑफ फूड कुछ भी खा जाए कैनिबल ऑमनिवरस कार्निवरस ग्रामनीस बताए अच्छा क्वेश्चन है जो सब कुछ खा लेता है बेटा उसके बारे में बताना है जो सब कुछ खा लेता है देखिए कार्नी क्या होता है सिर्फ मीट खाता है और कुछ नहीं खाता है ओमनी का मतलब होता है ऑल जो ओमनी रूट है ना इसका मतलब भी होता है ऑल तो ओमनी वोर का मतलब खाना ओ मतलब वाला सब कुछ खाने वाला ओमनी इसका एक सिनेम होता है याद रखिएगा यूबी कुचस ये अक्सर एक एग्जाम में आता है यूबी कुचस का मतलब भी होता है मतलब खाने वाला नहीं सर्वशक्तिमान सर्व, सर्व जगह पाया जाने वाला यूबी कुचस ठीक है तो यूबी का मतलब ओमनी प्रेजेंट की तरह यूबी कुटस होता है एक होता है ओमनी प्रेजेंट प्रेजेंट का मतलब उपस्थित ओमनी मतलब बोल तो ओमनी प्रेजेंट का सिनोनिम होता है यूबिक्विटस ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट ओमनी पोटेंट का मतलब शक्तिशाली तो ओमनी पोटेंट यानी सर्वशक्तिमान ओमनी सिएंट साइंस का मतलब सबको जानने वाला ओमनी वन हु नोज एवरीथिंग राइट तो ये छोटी छोटी बातें हैं छोटी छोटी बातें ये सब याद रखिए आप लोग बेटा यूजीसी नेट की क्लास ऐप पर चल रही है और यूजीसी नेट की क्लास वीक में टू डेटी पर होगी बाकी रोड डेली ऐप पर होगी क्यों होगी क्योंकि छह से यूजीसी नेट का पेड बैच शुरू हो गया है जो से आठ बजे तक चलेगा तो यहाँ थोड़ा मैं बिजी हूं डेढ़ घंटे का बैच है अभी साढ़े छह बजे स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए चलिए खुशी के पावन अवसर पर आप सभी लोग लाइक करिए बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा ठीक है ओके ओके अनुपमा पांडे हेलो आर हाँ यू अनपूर्णा पांडे सॉरी ओमनी से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं कैनिबल क्या खाता है इंसान का मांस खाता है उसे कैनिबल बोलते हैं ह्यूमन फ्लैश कार्निवरस सिर्फ मीट खाता है ग्रैमनिवरस ग्रैमनी वोरस यानी घोड़े जो कोई भी जानवर घास खाता है उसे ग्रैमनी वोरस बोलते हैं ये ग्रैमनी वोरस बहुत लोग को नहीं पता था मुझे मुझे पता है ठीक है तो ग्रैमनी वोरस भी आप लोग याद रखिएगा पारू सागर यूजीसी नेट की क्लास टू डेज होगी एक संडे को होगी लगभग डेढ़ घंटे की फिर एक वेडनेस को होगी वाई पर आप प्लेज वेयर बेवरेज फूड एंड समाइम डिशेज हाउस होल्ड क्लीनिंग केमिकल्स है ना लाइन्स और प्रोविजन आर स्टोर्ड बताए जहां पर ये सारी सामग्री को स्टोर किया जाता है रखा जाता है उसको क्या कहते हैं बताए स्कलरी पैंट्री आरचीव या एरेना उसको क्या कहते हैं पगला हो तुम लोग पैंट्री होता है किचन कुछ भी बताए डाल लो पैंट्री बोलते हैं आर चीज का मतलब होता है अ प्लेस फॉर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स अ प्लेस फॉर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स राइट यस सरकारी दस्तावेज टाइप के रखे जाते हैं इस कलरी का मतलब होता है बर्तन धोने की जगह यार यस, yes. इस का मतलब होता है बर्तन धोने की जगह वॉशिंग एंड क्लीनिंग डिशेज ठीक है यस yes. एरिना को बोलते हैं अखाड़ा अ प्लेस फॉर रेसलिंग याद रखिएगा अखाड़ा बोल सकते हैं अच्छा ताहिरा कैरी नहीं पता था कोई बात नहीं गाइज so, यहां पे आपका आंसर आ जाएगा भी पैंट्री इज द राइट आंसर कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो यस कुछ भी पूछना हो ठीक है ठीक है बेटा ठीक है एवरेज सब लोग शेयर तो कर दो जोरदार तरीके से ओके त्रिषा जी जल्दी मिलेगा आपको जल्दी मिलेगा बिल्कुल चलिए हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड बताइए इसका आपको ना पैसिव वॉइस बनाना है आई थिंक हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड पैसिव वॉइस डू यू का डू यू तो होगा नहीं रीडेड कभी होगा नहीं डू यू कभी होगा नहीं <laughs> बताएं तो पैसिव में सब्जेक्ट के साथ बाय लगता है बाय यू होना चाहिए ए विल बी द राइट आंसर ए विल बी द राइट आंसर आर यू रेड नहीं होगा ए विल बी द राइट आंसर क्या बात है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बताएं थैंक यू थैंक यू हाउ मेनी बुक्स आर रेड बाई दिस पेन इज एज बैड इफ नॉट वर्ड कंपेरिजन याद रखिएगा कंपैरिजन करते समय एज का पूरा पेयर बनाइए एज से सो का एज से और दोनों के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है क्या आता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एज बैड इफ नहीं होगा एज हो जाएगा है ना यानी यस 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 आर यू एडिक्टेड कॉफी एडिक्टेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या होता बता है बताएं बताएं एडिक्टेड के साथ क्या आएगा यार ये तो क्लियर है एडिक्टेड तो टू आता है अभी बताया है मैंने अभी अभी बताया यार ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए चलिए फिर एबीसीडी आ गया बताइए फटाफट थोड़ा सा आप लोग इसको रीड कर लीजिए और अगर ये मैं छुप, छुप मेरी वजह से क्वेश्चन गायब हो जा रहा है तो मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूं बताइए फटाफट लगाइए दिमाग आई एम फाइन ओ oh, त्रिषा थैंक यू थैंक यू त्रिषा फटाफट देखिए बी कह रहा है फाइनली फाइनली तो यार बाद में आता है तो बी से तो नहीं स्टार्ट होगा बी वाला तो पहले ही घट गया बी से क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हो सकता ये स्टेटमेंट मतलब यस इट देन यस yes. ये ए है इट देन क्या ये ए है अब बताइए इट देन केम टू द मेन तब वो आया तो यार मुझे तो लग रहा है ए से खैर कोई ऑप्शन भी नहीं है बताए फटाफट आंसर दें देखिए डी के बाद क्या हो जाएगा ए द वाइल्ड एलिफेंट फर्स्ट रीज द आउटस्कर्ट ऑफ अ टाउन ब्रेकिंग डाउन फेंसिस लाइक मैस्टिक माचिस की तीलियों की तरह उड़ाता हुआ चला गया तोड़ता पहुंचा इट देन केम टू द मेन रोड उसके बाद मेन रोड पे आ गया तो डी के बाद ए आना चाहिए डी के बाद ए सी बी क्या बात है पीपल इधर उधर दौड़ने लगे सी बी बिल्कुल सही है क्या बात है पुष्पेंद्र जी कैसे हैं DACB सीबी एप्सिल्यूटली माइंड ब्लोइंग मर्सी तो बड़ा ही मर्सी सेनेम बताना है दीपक सोलंकी तो हमें ऐज एज वाला देखना है नॉट वर्ड से कोई मतलब नहीं है ठीक है एक पोर्शन तो पॉजिटिव डिग्री वाला है उसने बताए तो मर्सी दया क्लीमेंसी यस क्लीमेंसी होता है दया डाइवर्सिटी एंटेनम बताना है डाइव जो रूट होता है यानी अलग अलग डाइवर्सिटी अलग अलग तरीके की चीजें डाइव रूट याद रखिए बस आप लोग तो उल्टा हो जाएगा एक जैसी मेलन कली डिप्रेशन यस यस डिप्रेशन कह सकते हैं आप एफिनिटी क्या होता है नजदीकी आ फैन क्लोजनेस क्लोजनेस है ना तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी यस यूनिफॉर्मिटी एक जैसी ऑन क्लाउड नाइन बताइए ये एडीएम है। बताएं। क्या अच्छा आप लोगों ने लाइक कर लिया एक बार मैं देख लेता हूं हाँ यार लाइक तो आप सभी लोग कर लीजिए आप सभी के लाइक करने से बहुत मजा आने वाला है सभी लोग लाइक कर लीजिए ऑन क्लाउड नाइन फटाफट बताए उड नाइन की संग तेरे गाना सुना है ना यस वेरी हैप्पी तुम्हारा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना पीडीएफ में नाम होगा उस दिन हवा में रहेंगे पैर जमीन पे लगेंगे नहीं वेरी हैप्पी सी सेट टू मी आई है मार्केट She said to me, I had to go to the market. Tell me quickly. Son, to reply not get the reply Deepak ji, thank you. हैड टू है तो हैड टू तो आएगा ही बताए शी टोल्ड मी दैट हैड के दो हैड हो जाएंगे टू के बाद वेंट नहीं आता है तो ये तो सी वाला वैसे ही कट गया डी हो जाएगा बेटा इसमें डी हो जाएगा बेटा इसमें तुम सब के सब पग ला गए हो यहां भी तो हैड टू आया है देखो एक तो हैड है सिंपल पास वाला तो सिंपल फाल वाला पास परफेक्ट बन जाता है तो एक तो पास परफेक्ट का हैड आएगा एक हैड हैड टू वाला आएगा तो हैड हैड टू गो दी मार्केट हो जाएगा तो ये आप लोगों ने गलत कर दिया है डी विल बी द राइट आंसर है बाबा डी ये क्वेश्चन है क्या बाबा यस डी विल बी द राइट आंसर टेक केयर ऑफ द डैश एंड द दर्स विल टेक केयर ऑफ दे बहुत अच्छा क्वेश्चन है रोशनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट का बनता है पास्ट परफेक्ट तो याद रखिएगा सिंपल पास्ट में यानी यहां एक हेड आया था सिंपल पास्ट था पास्ट परफेक्ट में एक हेड ऑलरेडी आता है तो ये जो दूसरा वाला हेड है एक तो हेड है सिंपल पास की वजह से है और ये दूसरा वाला हेड हेड टू की वजह से है यानी आपको पास परफेक्ट अगर बनाना है तो हेड टू का तो हेड टू रखेंगे ही आप उसके पहले एक हेड लगाना पड़ेगा आपको समझ रहे हैं अब बेटा रूल तो यही कहता है क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है एक बार आप लोग चेक कर दीजिएगा अब देखिए और तो बाकी यहां हो नहीं सकते ठीक है याद रखिएगा क्योंकि तुम ये इसको पास परफेक्ट कह नहीं सकते अगर ये पास परफेक्ट होता तो एज इट इज हो जाता पास परफेक्ट कभी नहीं चेंज होता है ये तो आपको पता ही है तो यार अब नजदीकियों के हिसाब से तो डी आंसर है एक्स्ट्रा दिमाग एग्जाम एक में मत लगाइएगा है ना संभावना जहां जाता हो वही लगा के आइएगा टेक केयर ऑफ दी अच्छा शेयर कर दिया आपने नहीं नहीं लाइक भी कर लीजिए केवल शेयर से काम नहीं चलेगा का, थोड़ा लाइक भी कर लीजिए

इज द सेम पर्सन विच same person which has helped us in the in our work. ये बेटा कई बार गाइज हमने कराया दीक्षा जी थैंक यू रश्मि थैंक यू प्रिया थैंक यू सीमा He is the same person. तो गाइज याद रखिएगा दी सेम के साथ मैंने विच नहीं दैट बताया था क्या बताया था यहां आएगा दैट दैट बताया गया था आपको विच नहीं होगा बेटा दी सेम याद रखिएगा कहीं भी दी सेम आ जाए कहीं भी दी ओनली आ जाए एवरीथिंग इन सभी के साथ दैट आता है कहीं भी ऑल आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ दैट ही लगाना है ओके 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 क्लियर है यस दैट दैट हो जाएगा दैट बताइए अगला देखते हैं आर यू अवेयर डैट दिस सिचुएशन विथ अबाउट ऑफ ऑन यार फॉन्ट साइज सही है अपने फोन का वो रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए बताएं आर यू अवेयर दिस सिचुएशन क्या आप सिचुएशन से जागरूक हैं अवेयर हैं सो so, अवेयर ऑफ भी होता है बी अवेयर के साथ भी ऑफ लगता है यस अवेयर ऑफ बी अवेयर ऑफ पोलाइट का एंटरनम बताना है हेलो लक्ष्मी रवि पूजा कैसे हैं पोलाइट का एंटरनम बताना है थैंक यू थैंक यू पोलाइट का एंटरनम बताइए हाँ रूड हो जाएगा बेटा रूड ऑवर सिनोनिम है ये भी सिनोनिम है बाकी सारे सिनोनिम है सारे सिनोनिम है तो ये सिनोनिम्स भी याद रखिए कभी-कभी एग्जामिनेशन हॉल में सिनोनिम्स भी आपको दे जाएंगे तो सिनोनिम्स भी याद रखिएगा बेटा डाउन द ट्यूब्स डाउन द ट्यूब्स फटाफट बड़ा अच्छा idiom है डाउन द ट्यूब्स <laughs> बताए अच्छा लाइक कर लिया है फटाफट आंसर दें डाउन द ट्यूब्स यस yes, यस yes. बताएं फटाफट हो डाउन द ट्यूब्स का मतलब होता है पूर्ण रूप से फेल हो जाना फेलिंग कंप्लीटली फेलिंग कंप्लीटली डाउन द ट्यूब्स पूर्ण रूप से फेल हो जाना राइट right. पूर्ण रूप से असफल पूर्ण रूप से असफल डैश गंगा इज सेक्रेड रिवर एंड इट इज बिलीव दैट इट्स वाटर ऑलवेज रिमेन्स प्योर बताए क्या होगा सभी लोग बेटा सब्सक्राइब कर लें फटाफट फड़? डैश गंगा इज सेक्रेड रिवर एंड इट इज बिलीव दैट इट्स वाटर ऑलवेज रिमेन्स प्योर Yes. तो रिवर के नाम के पहले तो आर्टिकल आता है एक तो क्लियर हो गया आ रिवर क्योंकि रिवर यहां पे कॉमन नाउन है इसीलिए क्या आ जाएगा आ और नदी है फिक्स्ड यहाँ पर गंगा इसीलिए आर्टिकल दा। Which of the following is ऑफ adverb इसमें कौन सा वर्ड एडवर्ब है हर एलवाई एडवर नहीं होता बेटा ये चीज जान लेना हर एलवाई एडवर नहीं होता हर एलवाई एडवर्ब एडवर नहीं होता पे बताइए नाउन के साथ एलवाई लगे तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के साथ अगर एलवाई लगे तो एडवर्ब ये ट्रिक याद रखना मंथ नाउन एलवाई लगा तो एडजेक्टिव वीक नाउन एलवाई लगा तो एडजेक्टिव कावर्ड नाउन एलवाई लगा तो ये भी एडजेक्टिव ब्रेव आपका एडजेक्टिव है इसमें एलवाई लगा तो ये एडवर्ब तो ब्रेवली डी पक्का तो ये ट्रिक याद रखिएगा ये ट्रिक याद रखोगे ना जिंदगी में गलत नहीं होगा जिंदगी गले लगा ले हमको तो एग्जाम निकालना है तो थोड़ा समय दिला दे यस yes. डी तो याद रखिएगा नाउन में एलवाई लगे तो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में एलवाई लगे तो वो एडवर्ब ऑल दो आई हैव वर्क विथ मी स यस आ दें हां मैं देख पा रहा हूं बहुत ही कम लोगों ने लाइक किया है अभी हैव वर्ड हो जाएगा बेटा और ऑल्दो दो के साथ यट आता है ये सही है कुछ लोग बट बता रहे बट यहां यट होगा ए पार्ट वर्ड आर यू रेडी एंड एडवेंचर आर यू रेडी डे एन एडवेंचर फॉर टू विथ ऑन रेडी फॉर समथिंग होता है आर यू रेडी फॉर एन एडवेंचर क्या आप इस एडवेंचर के लिए तैयार है तो रेडी फॉर समथिंग होता है दाउस ऑफ एस्कीमो एस्कीमो का मतलब क्या होता है ना ऐसे बना होता है ना तो ये क्या हो जाएगा इग्लू इग्लू और हेमलेट का मतलब होता है एक सारे कई सारे मकान ग्रुप में मकानों से हेमलेट कहते हैं राइट यस अपियरी और अवियरी कई बार जाता है अवियरी का मतलब होता है बर्ड्स यस यस चिड़िया रहती हैं अवेरी में अपियरी में कौन सी रहती है? कौन रहता है बीज रहती है मधुमक्खियां रहती हैं यस yes. याद रखिएगा। हेमलेट ग्रुप इन हाउसेज इन अ हा। विलेज, कई सारे मकान है ना स्टडी ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बताएं यस yes. कैलीग्राफी होता है सुंदर लिखने की कला ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है ना कार्टोग्राफी मैप्स नक्शे बनाने की कला डेमोग्राफी हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद का अपनी खुद की बायोग्राफी ओके फटाफट आंसर ओके क्लियर है पहले बताइए सभी का क्लियर है हाँ मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि कई क्लासेस मुझे लेनी है अभी well well ही फटाफट बताइए ही एज वेल एज दे देयर तो भैया एज वेल एज के साथ ही के अकॉर्डिंग वॉज हो जाएगा वॉज हो जाएगा ठीक है आर यू नर्वस योर जॉब इंटरव्यू आर यू नर्वस योर जॉब इंटरव्यू फटाफट दैन अबाउट ऑफ टू आर यू नर्वस योर जॉब इंटरव्यू अबाउट ऑफ टू तो नर्वस अबाउट होता है किसी चीज को लेकर नर्वस होना इम्पीड इम्पीड हिंडर मतलब बाधा उत्पन्न करना बाधा उत्पन्न करना ऑब्स्टेकल बाधा तो आंसर बताइए प्रॉम का तो मतलब कोई को होता है तुरंत इंटेंड मतलब इरादा है आपका इंटेंशन हिंडर हो जाएगा बाधा तो करेक्ट हो जाएगा सी सी इज द राइट आंसर Respite तो रिलीफ होगा चलिए अगला देखिए ए बी सी डी बताना है गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए फटाफट फड़ लाइक करते जाइए देखिए आज कितने सारे बच्चों ने लाइक कर लिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखो इन हिज हैंड किसका हाथ है पता नहीं तो सी तो नहीं होगा सी वाला कट गया है ना दे आर ऑल मेड यानी कौन है पता नहीं तो डी से वैसे कोई शुरू भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है नर्वस किसी चीज को लेकर होते हैं किसी का नर्वस नहीं होते बताइए फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड कौन स्टैंड ही स्टैंड ये ही कौन है तो बी वाला भी कट गया बताइए अब ए से तो स्टार्ट है

फ्लूट के लिए आया है दे तो सी के बाद तो डी आना चाहिए जो कि बैम्बू स्टीम के बने होते थे आप बताइए सब कुछ क्लियर हो गया ए हो जाएगा बेटा आप लोग अपना आंसर चेंज करिए यस 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 जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है क्या बात है चलिए बेटा क्लास भी खत्म होती है अभी इतना ही रखते हैं थैंक यू वेरी मच बाय आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा फिर मिलेंगे हम लोग कल चार बजे आज रात बेटा नौ बजे वाली क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है उसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों आने वाला है ठीक है इसका लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है उसका लेवल एक एक कदम ऊपर होगा और यार कमेंट करके बताया करो क्लास कैसी लगी थैंक यू वेरी मच बाय